विधानसभा उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ग्वालियर में कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मुरारी लाल दुबे और प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सिंधिया ने ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश में 360 करोड़ की अवैध संपत्ति जुटाई है और हमारे पास इस घोटाले के सबूत हैं। अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। ग्वालियर के बेशकीमती इलाके जयेंद्रगंज माहौरकर के बाड़े की 8 बीघा 2 बिस्वा जमीन जिसे सिंधिया परिवार ने कब्जा कर रखा है, उसके कुछ हिस्से को बेच दिया है, कुछ हिस्सों में अवैध निर्माण कर किराया वसूली की जा रही है और यह जमीन जिसका आज कांग्रेस पार्टी जिक्र कर रही है उसकी अनुमानित कीमत 360 करोड़ रुपया है। हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मांग है कि वे उनके विरुद्ध और उन दोषी अधिकारी तहसीलदार कलेक्टरों के विरुद्ध विधिवत आपराधिक प्रकरण दर्ज करें और इस जमीन को मुक्त कराकर सरकार अपने कब्जे में ले और यदि ऐसा नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी जाने में कोई संकोच नहीं करेगी और हमारी तैयारी जारी है।